नागपुर शहर में एक और हत्याकांड मामला सामने आया है, जहां गंगाबाई घाट निवासी 18 वर्षीय तुषार इंगले की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार तुषार मेडिकल चौक स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में काम करता है। कल रात करीब 10:30 बजे तुषार के पिता ने उसे फोन किया तो उसने कहा कि वे डिलीवरी करने एचबी टाउन आया हुआ है। एक घंटे बाद भी तुषार घर नहीं आया तो उन्होंने फिर एक बार उसे फोन लगाया, मगर तुषार ने फोन नहीं उठाया। तुषार के दो घर है, दूसरे घर जो शिवाजी नगर में है वहाँ उसकी माँ और बहन रहती है। उसके पिता को लगा कि तुषार वहाँ गया होगा, मगर आज सुबह नंदनवन थाना अंतर्गत आने वाले संघर्ष नगर के एक खुली जगह पर तुषार का शव मिला। जानकारी ये मिल रही है कि तुषार अपने दोस्तों के साथ कल रात को ही गया, फिर देर रात सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे और तुषार और दोस्तों में विवाद हुआ, उन्होंने पत्थर से उसकी हत्या कर दी। इस वारदात में शामिल दो आरोपियों ने घटना के बाद अपने दोस्त के घर जाकर घटना की जानकारी दी। इस मामले में एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि आरोपी और तुषार एक ही दुकान में काम करते थे। नंदनवन पुलिस घटना की जांच कर रही है, आरोपी की तलाश जारी है। नंदनवन पोलीस स्टेशनला सकाळी 7:30-8 दरम्यान आम्हाला माहिती भेटली की संघर्षनगर नाल्याच्या बाजूला एक खाली प्लॉट आहे, तिथे काही लेबर वर्क चालत असते नक्षीकाम दगडांवर करण्याचं। त्या ठिकाणी एक अज्ञात व्यक्तीची बॉडी पडलेली आहे, त्यावरून त्वरित घटनास्थळी स्टाफ रवाना झाला आणि त्या मयताची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न चालू होता। त्याची ओळख पटवणे थोडेसे कठीण होते तांत्रिक, त्यामुळे आसपासच्या आजूबाजूच्या लोकांना विचारपूस करून काही पोलीस खबरींकडून माहिती घेऊन त्याची आता ओळख पटलेली आहे। त्याचं मृतकाचं नाव आहे तुषार किशोर इंगळे, राहणार गुजरनगर। आता त्या सदर घटनेचा तपास युद्ध पातळीवर सुरू आहे, पुढील तपासाअंती पुढील माहिती आपणास देण्यात येईल। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।